जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक नई तर्क कुछ जिस पर तर्क वितर्क चलते रहते हैं उसके बारे में लेकर आया हूँ। आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं किस्मत बढ़िया मेहनत। लोगों को अपन अपनी राय होती है इस पर। कोई लोग किस्मत को बड़ा मानते हैं तो कोई मेहनत को। तो ऐसे ही एक गांव में ऐसा ही वाद विवाद शुरू हो गया, खड़ा हो गया। कोई कहे किस्मत बड़ी होती है, कोई कहे मेहनत बड़ी होती है। तो वहाँ के जो बड़े बूढ़े थे, प्रधान था, सरपंच था, भाई ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए इंतजाम करा जाए। तो ठीक है, कल बुलाने को कहा, सब कल वापस हुए। तो दो लोग थे, एक किस्मत वाला था जिसने किस्मत को प्रधानता दी, एक था जिसने मेहनत को प्रधानता दी। तो उनको एक कमरे में बंद कर दिया, अंधेरा। बोला कि अब आपको इसमें बंद कर देते हैं, फैसला कर लो किस्मत बड़ी है या मेहनत। दोनों को बंद कर दिया। किस्मत वाला बोला कि भाई आज खाना लिखा ही नहीं है किस्मत में। तो किस्मत वाला बैठ गया। मेहनत वाला बोला कि नहीं यार, बैठने से अच्छा है एक बार करके, मैं कोशिश तो करके देखे, मेहनत तो करके देखे, शायद कुछ मिल जाए। तो उसने हाथ पैर घुमाए अंधेरे में, इधर उधर घूमा, तो उसको चारपाई से टकराया। यार इधर चारपाई डली हुई है। तो वो और आगे बढ़ा, घूमा, तो उसको एक काला दिखाई दिया। आला देखा, आले में हाथ मारा तो उसको मोमबत्ती दिखाई दी। उसने कहा मोमबत्ती है तो देखो, मोमबत्ती मिली है, क्यों ना और देखा जाए, माचिस भी मिल जाए शायद। तो उन्होंने देखा, माचिस भी मिल गई। माचिस मिलने के बाद उसने उसको जलाया, खाना भी तैयार था, लगा हुआ था खाना एकदम तैयार। बोलो ओहो, खाना भी मिल गया। अब वो खाने लगा तो किस्मत वाला था, थाली एक ही थी खाने की। तो खाने की जो थाली थी वो एक थी, तो वो खाने लगा। तो उसको उस बोला, यार ये भूखा रहेगा, इसको भी भूख लग रही होगी, इसको पूछ ले। तो उसने पूछ लिया कि भाई तू भी खा ले, तो वो भी खाने लगा। खाने के बाद बोला, बता किस्मत बड़ी या मेहनत। वो बोला कि भाई मेरे लिए तो किस्मत ही बड़ी है, क्योंकि मेरे को तो मैंने तो किस्मत का ही मिला है, मैंने तो मेहनत नहीं की, मेरे को तो किस्मत का ही खा रहा हूँ। दोस्तों, इसका भी कोई मार्ग निकला नहीं है कि किस्मत बड़ी या मेहनत। अगर आपको दोस्तों ऐसी ही कथा या ऐसे ही कहानी तर्क वाली हो तो शेयर कीजिए। मेरी इस कहानी को शेयर कीजिए, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसी कहानी और सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय दस ज्यादा, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।